गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। वेल गाइज, आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है और आप लोग कैसे हैं अपने घरों में? होप करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे हो अपने घर में और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेल गाइज, अभी हो रहा है सुबह के 8 o'clock और मैं हो रही हूँ रेडी। अब आप सोच ही रहेंगे कि मैं सुबह 8 बजे कहाँ जा रही हूँ। वेल गाइज, आज है महत की PTM और वहाँ जाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखा दूँ कि मैं कैसे क्या लगाती हूँ, रेडी होती हूँ। गाइज, वैसे कुछ मैं ज़्यादा मेकअप तो मैं करती नहीं हूँ, तो बस जाने से पहले गाइज मैं लगा रही हूँ मामा को विटामिन सी क्रीम है ये गाइज फेस क्रीम। फेस बहुत अच्छा हो जाता है गाइज ये लगाने से। और उसके बाद गाइज मैं लगाती हूँ ब्लश वर्ट। ये गाइज ये है टिंट जो मैं थोड़ा सा अपने चीक्स पे और थोड़ा सा नोज़ पे लगाती हूँ गाइज। और गाइज़ ये आपको इंस्टा पे भी इसका पेज मिल ही जाएगा ब्लश वर्ड के नाम से, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है गाइज़। बहुत ये और मुझे मैंने ये ख़रीदा है गाइज़ 100 रुपीज़ में, और इसके इफ़ेक्ट्स आप मेरे फेस पे लगाने के बाद देखना कि ये कैसा लगता है। वैसे तो गाइज़ पहले यूजली जो मैं यूज़ करती थी वो ये कि जस्ट हर्ब कंपनी है उसका मैं ये टिंट यूज़ करती थी। इसका ये कलर भी देख लें, बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत अच्छा रिजल्ट्स आते हैं इसके। लेकिन अभी मुझे किसी ने रिकमेंड किया है ये वाला, तो मैं अब ये वाला यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत अच्छा है। वो वाला तो गाइज काफ़ी कॉस्टली था, ऑलमोस्ट 800 का था, और ये वाला जो मैंने परचेज़ किया ये मुझे जस्ट 100 रुपीज़ में मिला है। तो अगर आपको भी ये ट्रेंड चाहिए तो जस्ट गो एंड चेक आउट देयर इंस्टा पेज, और ये आपको मिलेगा ब्लश वर्ड के नाम से। तो चलिए गाइज, मैं हो जाती हूँ जल्दी से रेडी क्योंकि जाने के लिए हो रहा है लेट, और मैं आपसे मिलती हूँ आगे। और उस रूम में जो है वो महत भी रेडी हो रहा है 5 के साथ, और हम आपसे मिलते हैं आगे। तो गाइज अब हम लोग जा रहे हैं महत के स्कूल, और काफ़ी फास्ट जा रहे हैं। एक्चुअली वो है क्या गाइज, महत के स्कूल में जो है वो स्लॉट्स मिलते हैं, और महत का स्लॉट जो है वो सुबह 8 to 8:30 वाला है, और अभी ऑलमोस्ट 8:15 हो रहे हैं गाइज। तो बस हम लोग जा रहे हैं और पहुंचते हैं जल्दी से स्कूल क्योंकि PTM का भी टाइम हो गया है गाइज। और इस टाइम देखिए ये है महत, तो चलिए चलते हैं इनके स्कूल में। गाइज भीड़ देखिए, सारे पेरेंट्स आ चुके हैं और देखिए लाइंस लग चुकी हैं कार्स की, क्योंकि आज 5th क्लास तक है PTM गाइज। तो ये देखिए आप, रोड भी जो है वो जाम हो गई है, और ये आ गया है महत का स्कूल। तो चलिए उतरते हैं और चलते हैं अंदर। गाइज ये देखिए, यहाँ आ गए हम महत के स्कूल के इनसाइड, और यहाँ देखिए क्या है, यहाँ है रैबिट्स। वेल गाइज, PTM से मैं अंदर होके आ चुकी हूँ, और मेरे फेस की हंसी देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द टीचर। और महत की टीचर जो है वो महत से बहुत हैप्पी है, और वो ही चीज सेइंग कि महत जो है बहुत ही सिंसियर चाइल्ड है और वर्क बहुत अच्छा करते हैं, उनके फेवरेट स्टूडेंट्स में से है। तो वेल चलिए चलते हैं और फीस सबमिट करते हैं हम, क्योंकि अभी यहाँ आए हैं तो ये काम भी कर ही लेते हैं। देखिए अब महत की PTM के बाद गए हैं हीरा लाल हलवाई के, और यहाँ पर सुबह सुबह जो ब्रेकफास्ट होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जो बहुत ही यमी होता है और बहुत फेमस है यहाँ का। तो चलिए चलते हैं और अपना आज का ब्रेकफास्ट यहीं करते हैं। गाइज उसके बाद मैं चली गई थी शॉप के अंदर चेकआउट करने, सारी स्वीट्स जो देखने बहुत ही यमी हरियम लग रही थी, और कुछ मैंने टेस्ट भी करी और कुछ हम लोगों ने ली भी थी। तो गाइज हम लोग का ब्रेकफास्ट आ गया। तो गाइज ये है बेदनी पूरी उड़द की दाल की, और ये है हमारी सब्जी। तो चलिए एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट आज। गाइज घर जाते में हमें दिख गए मैंगोज़ के यहाँ पर ठेले, और गाइज यहाँ पर मैंगोज़ और फ्रूट्स बहुत फ्रेश होते हैं, तो बस हम लोग यहाँ चले मैंगोज़ लेने के लिए। और देखिए यहाँ पर मैंगोज़ कितने अच्छे हैं, और ये देखिए ये तो मेरे हाथ से भी बड़ा है, बहुत बड़ा मैंगोज़ है। तो बस हम यहाँ रुके थे मैंगो लेने के लिए, और बस चलिए लेते हैं और फिर चलते हैं अपने घर की तरफ। इफ़ाई उसको पेमेंट कर रहे हैं। अब हम लोग आ गए हैं जूस शॉप पे, और यहाँ देखें हम लोग के बन रहे हैं जूस। माँ आप कौन सा ड्रिंक करोगे? माँ हाथ। तो गाइस माँ हाथ की अभी चोट लग गई है, दिखाइए माँ, महत के थोड़ा सा ब्लड निकल रहा है जिसमें महत को पेन हो रहा है, इसलिए महत का मूड नहीं है बात करने का।
गाइस हम लोग के हो गए जूस रेडी और ये लेके आ रहे हैं फाई। तो चलिए इंजॉय करते हैं अपने जूस। ये आ गया मेरा और ये आ गया है महत का। तो गाइस आप ये देखिए, महत जो है वो इंजॉय कर अपना जूस। और महत की जो चोट लगी थी गाइस, उस पर तो हमने यहाँ से एक बराबर में एक मेडिकल था, उससे हमने लेके महत की जो है वो बैंडेज कर दी है और अब ठीक हो जाएगा महत का ये। और यहाँ देखिए कि फाइन जो है महत से पूछ रहे हैं कि तुम्हें आइस और डलवाना है, और महत को आइस डलवाना है क्योंकि हमने बिल्कुल भी आइस नहीं डलवाया था। और महत जो है अपने आइस डलवा रहा है। महत देखिए कैसे सीधे बच्चों की तरह बैठा हुआ है। तो चलिए हम लोग जूस इंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं बाद में। स्कूल से आने के बाद हम लोग जो थे वो थोड़ी देर बैठे और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे और अभी हम लोग उठे हैं गाइस। अभी हो रहा है 1 o'clock और बहुत प्यारा मौसम हो रहा है इस टाइम। ये देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही है और रेनिंग हल्की हल्की सी बूंदें स्टार्ट हो चुकी हैं। और ये देखिए ऊपर आसमान को अब, और कितना ब्यूटीफुल व्यू है गाइस। ये देखिए आप, बिल्कुल ब्लैक क्लाउड्स हो चुके हैं। और ये देखिए, और महा ट्रीज कैसे डांसिंग कर रहे हैं, कैसे ओए होए कुड़ियां शेर दिया। कैसे करेंगे दिखाना जरा, कैसे डांस कर रहे हैं। हाँ करो कच्चा बादाम, तो गाइस मात बहुत इंजॉय कर रहा है मौसम में और हम लोग खड़े हुए हैं बाहर यहीं पर ही। ये देखिए बारिश स्टार्ट हो चुकी है और महत उसका पूरा इसे इंजॉय कर रहा है। ये देखिए महत पूरा गीला हो चुका है बारिश में और पूरा देखना, ये देखिए जरा हरकतें देखिए जरा। और देखिए गाइस पानी इतना तेज है कि अंदर तक आ रहा है रूम तक। गाइस मैं आज पहनने वाली हूँ ये वाला आउटफिट, और ये देखिए ये है पिंक कलर का और उसके साथ है बनारसी दुपट्टा, और साथ में जो मैं लूँगी ये स्लिंग बैग। तो गाइस ये मैंने पैंटालून से लिया था स्लिंग बैग्स, और ये टू साइडेड है, वन साइड से इधर से और दिस साइड से भी ओपन होता है, ये टू साइडेड है। और जब डालो तो गाइस बहुत अच्छा लुक आता है इसका। और वेल गाइस इसके साथ मैं यहाँ से अपनी चूज़ करूँगी ज्वेलरी। किसी दिन आपको गाइस बैठ के अपना ज्वेलरी का कलेक्शन दिखाऊंगी कि मेरे पास कितनी ज्वेलरीज हैं। यूजली मैं पहनती नहीं हूँ लेकिन फिर भी मेरे पास है, तो आज मुझे थोड़ा सिंपल सा देना है तो मैं ये पहन रही हूँ। और आपको बताऊँगी बाद में कि मैं जा कहाँ रही हूँ, तो उसके साथ मेरा देखिए लुक कि मैं रेडी होने के बाद कैसी लगती हूँ। गाइस मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल रेडी, और बताइए कैसी लग रही हूँ मैं। और गाइस मैंने आपको दिखाया था कि पहले मैं पहन रही थी टॉप्स, और लेकिन अब मैं गाइस पहन रही हूँ, मैंने पहनी है ये झुमकी, क्योंकि मैंने सोचा कि दुपट्टे के साथ मैचिंग भी हो रहा है तो मैं झुमकी वेयर कर लेती हूँ। और गाइस आप लोग सोच भी रहे होंगे कि मैं जा कहाँ रही हूँ, तो गाइस मैं इस टाइम जा रही हूँ अपने मैके यानी कि दिल्ली जा रही हूँ मैं अपनी मामा के पास। और गाइस इतना रेडी होके क्यों जा रही हूँ, तो गाइस ईद के टाइम पे मैंने जो ईद जो सेलिब्रेट करी थी वो अपने इन लॉज के साथ करी थी रामपुर में, और मामा के घर जाने का तो मुझे टाइम मिला ही नहीं, और महत के स्कूल्स भी होते हैं और प्लस इतनी हॉलीडेज़ मिलती नहीं है। तो गाइस आज है सैटरडे और अब मैं जा रही हूँ मामा के यहाँ ईद सेलिब्रेट करने के लिए, तो इसलिए मैं इतनी ड्रेसअप हुई हूँ। और बाकी का आगे का जैसा भी व्लॉग होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो इसलिए मेरे साथ बने रहें और आगे का व्लॉग ज़रूर देखें। तो गाइस इसी के साथ मैं जा रही हूँ मामा के घर और मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में, और कल का व्लॉग ज़रूर देखें कि मैं वहाँ पहुँच के मैंने कैसे मनाई ईद।